झांसी के मौरानीपुर नगर में अधिकारियों की मिलीभगत से नगर के नालों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उक्त संबंध में लोगों ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी SDM ADM झांसी से शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नालों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए सरकार को आदेशित किया है, लेकिन मौरानीपुर नगर में धड़ल्ले से लोग नालों पर निर्माण कर रहे हैं। उक्त संबंध में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मौरानीपुर से जानकारी करने पर उन्होंने कहा, नालों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा नालों पर किए जा रहे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं। सर, मौरानीपुर में बड़ी मातन के पास आपकी नगरपालिका के नाला को पूरा कब्जा कर लिया गया है, इस पे सर आपको कोई जानकारी? अभी तो हमको कोई इस प्रकार से जानकारी नहीं मिली है। हाँ, एक दो जगह जो है इस प्रकार से कब्जे हो रहे थे, तो मैंने JCB ले जाकर के उसको तोड़वाया भी है। मोहम्मद मुस्तफा पार्षद हैं, कोई व्यक्ति इस प्रकार से नाले को बना लिया था, तो हमने वहाँ जैसे हमें सूचना मिली वैसे हम वहाँ जाकर के जो है उसका हमने तोड़वा दिया नाले पर से। और इस प्रकार से अगर कोई बात हमारे संज्ञान में जांच करने पता चलता है कि हमारे नाले को अतिक्रमण कर रहे हैं, हम बिल्कुल अतिक्रमण हटवाने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो मैं करूँगा। सर, शहर में कई जगह पर अतिक्रमण छाया हुआ है, उसमें क्या कहेंगे सर? छाया हुआ अभियान चला कर हटाया जाएगा। कब से सर आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है? हमारे द्वारा कार्रवाई तो हमेशा की जाए, जैसे जैसे सूचना मिलती है या हमारे कर्मचारियों द्वारा सूचना मिलती है या पब्लिक का कोई आदमी सूचना देता है उस पर आवश्यक कार्रवाई की। नगर पालिका की तरफ से कब अभियान चलाया गया था सर अतिक्रमण हटाओ? नगर पालिका की तरफ से अभियान तो इधर कोरोना के पहले चलाया गया था, जनवरी फरवरी, इधर तो कोरोना की वजह से जो है अभी इधर कोई अभियान नहीं चला है। सर, कहीं कहीं पर पक्का निर्माण किया गया है, उसमें क्या कहेंगे सर आप? जो भी है अगर वो गलत तरीके से बनाया गया है हमारे नाले पर या किसी प्रकार से अतिक्रमण किया गया है तो उसको हटवाया जाए, अगर बनवा लिया गया है तो उस पर जो है जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसको हटवाया जाएगा।